तो दोस्तों स्वागत है आपका माईजी मोड के 10वें वीक में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 10वें वीक में हो रहा है टीएलसी और स्मैकडाउन अभी तक रॉ से आगे। अमन तुमको क्या लगता है, रॉ इस बार स्मैकडाउन को पीछे छोड़ पाएगा? भाई देखो बात ये है ना कि इस बार टीएलसी तो आ चुका है बट शो का बजट मेरे भाई लोग जैसा कि आप लोग राइट तरफ देख रहे हो $50,000 भी नहीं है भाई। मेरे पास भी पैसा बहुत कम है भाई। भाई $50,000 भी नहीं मेरे सारे पास। पैसे हमने रोस्टर खरीदने में उड़ा दिए भाई। सारे पैसे बता रहे हैं, पैसे हमने रोस्टर्स खरीदने में उड़ा दिया। अब देखते हैं यार। बट पहले मेरे को एक रोस्टर से याद आया कि निकालेगा कि मेरा बीजी चैंपियन है, 2 हफ्ते के लिए इंजर्ड है। तो क्या करेगा? और गोलबर्ग सर ये 3 हफ्ते के लिए इंजर्ड है। तो करेगा क्या तू? मतलब कि सुनो मैं बता रहा हूँ, ये 15 हफ्ता का हम लोग हमने ऑन किया, ठीक है? ठीक है। और 10वां हफ्ता ये चल रहा है, ठीक है? तो भाई मेरा चैंपियन अगर 2 हफ्ते तक गया हुआ रहेगा तो यार फिर रॉ का क्या होगा? तो इसलिए यार दिल पे पत्थर रख के और रिमोट का बटन दबा के जो मैं सोच रहा हूँ तू वही कर रहा है, रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है? अरे क्या कर रहा है यार, WWE चैंपियनशिप को आपको वैकेंट करना होगा। सॉरी मैं, अरे बिगी बेचारे को कर दिया ना तुम काम। WWE चैंपियन कौन है? ब्रॉक लेसनर बन गया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी जिसे दुश्मनी थी ब्रॉक लेसनर ऑटोमेटिक। अच्छा, जिससे दुश्मनी चल रही थी वो ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन चुका है। तो चलो मेरे भाई अब चालू करते हैं मैटर यानी बुक शो का। शो बुक कर भाई, 97,000 सो चुके हैं। चलो कुछ फाइनली कुछ तो पैसा आ गया तेरे पास। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बुक शो कैसे करूं क्योंकि जिनके साथ दुश्मनी है वो सारे लोग इंजर्ड बैठे हुए। चलो ठीक है तभी कर भाई, रैवली कंप्लीट करनी पड़ेगी इन दोनों। ना दोनों इंजर्ड हो जाएगी भाई। टैग टीम करते हैं, टैग टीम लड़कियों का नहीं यार, लड़कियों का नहीं भाई। नॉर्मल मैच कर, बेकी लिंच और रिया नहीं, 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 नहीं। इंजर्ड नहीं होगी। मैं इन दोनों की टैग टीम की जो दुश्मनी है फाइनली कंप्लीट। अरे भाई दोनों इंजर्ड हो गया भाई। हाँ तो हो जाए, 15 वीक है यार। हाँ एक मिनट रुक जाओ भाई। तो फिर रॉ समोह जो और कौन है? डैमियन प्रिस्ट है ना। हाँ समोह जो शिंस और फिन बैलर और शिंस का नाकामुरा। हाँ वही तो बोलो, फिन बैलर, बैलर मेरा भाई। हाँ और शिंस्के नाकामुरा। चलो ये लोग टेबल स्मैश में अपनी राइवलरी खत्म करेंगे और मेरे को लगता नहीं कि स्टैमिना कॉस्ट लो है तो चलो देखते हैं। देखो हाँ। भाई फिन बैलर चला जाएगा। प्रोमो यार मेरे भाई लोग प्रोमो नहीं भाई, पहले मैच ही देख ले, प्रोमो नहीं काट सकते। वन ऑन वन देखो, अंडरटेकर के जो साथी हैं गोलबर्ग वो भी 3 हफ्ते के लिए इंजर्ड है तो मेरे को नई दुश्मनी पैदा करनी पड़ेगी जो कि अंडरटेकर वो सर रैंडी ऑर्टन, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। बट टीस्टा को मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। बटिस्टा के साथ इसकी दुश्मनी सही नहीं रहेगी, अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी। नॉर्मल मैच रखना है, स्टैमिना बहुत लो है। नॉर्मल मैच है भाई, दोनों का स्टैमिना लो है। चलो अब बता मिड कार्ड, और मिड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिड कार्ड में भी एक और दुश्मनी और तेरे को जान के हैरानी होगी। अरे ब्रॉक लेसनर भी ब्रूजर, और नहीं यार ये मैच बहुत खराब चला जाएगा। रुक जाओ भाई, तो क्या करेगा अब तू? मैं वही देख रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये कर सकते हैं ना भाई, रैंडी ऑर्टन को मैंने प्रॉमिस किया था एक बार। ओ अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा, ठीक है चलो अब बोल। और रैंडी ऑर्टन को एक बार प्रॉमिस भी करा है भाई, WWE चैंपियनशिप मैच वर्सेस रैंडी ऑर्टन फाइनली। फाइनली ये मैच तो मेन इवेंट में था ना, टीएलसी मैच होगा ये, ठीक है चलो। टाइटल मैच ऑन इस बार करूंगा मैं एक बार, फाइनल हो चुका है। और रैंडी ऑर्टन का स्टैमिना लो है तो एक काम करते हैं, पावर कार्ड यूज करूं क्या रैंडी ऑर्टन पे? प्री मैच फिजियो कर दे भाई, या फिर मैं सोच रहा हूं बेकी लिंच पे यूज करूं। रैंडी ऑर्टन का थोड़ा पावर है। रैंडी ऑर्टन कहां गए मेरे भाई? भाई ये मिड कार्ड लग रहा है भाई। हाँ मिड कार्ड ही लगा रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन से ब्रॉक लेसनर का मैच तो मिड कार्ड हाँ लगाएगा। हाँ क्योंकि लेवल 4 की दुश्मनी हो चुकी है बेकी लिंच और इसकी। ओ समझा, तो हाँ तो हाँ चलो ये टाइटल मैच ऑन रहेगा टीएलसी। भाई 35,000 रुपए कॉस्ट हो चुके हैं, इस बार रॉ का बजट थोड़ा सा टाइट चल रहा है। चलो मेन इवेंट में फाइनल लड़की लोग का मैच चल रहा है, इनको ओवर करते हैं। बेकी लिंच और रिया रिप्ले को ओवर करते हैं। या तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मिड कार्ड में भी ना लड़कियों का ही घुसा दो, अंडरटेकर भी इंजर्ड है तो वो अंडरटेकर हाथ हो ये कर सकता हूँ मैं। अंडरटेकर रुक जाओ, पहले वहां से हटाएगा तब ना भाई। अरे भाई रुको, मैच क्लियर करना होगा। हाँ चलो ये भी लड़कियों का कर दूं क्योंकि जैसा कि मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, जनरल में है कि प्रॉमिस आस्का एन एक्सक्लूसिव टाइटल रीमैच अगेंस्ट चाइना, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कमिश्नर गोल तो कुछ और है भाई, रेस्ट योर करंट चैंपियंस दिस वीक नहीं कर सकते है भाई।
प्रोमो तो मैं सोच एक बार ये मैं शो लॉजिस्टिक में सिर्फ एक चीज ही ले पाऊंगा सिर्फ क्योंकि यार अरीना तो लेना ही होगा ना टीएलसी का अरीना 40,000 चलो फाइनली मेरे पास पता नहीं था पैसे भी होंगे कि नहीं होंगे यार। प्रोमो में एक किसी से बुक करवा सकता हूँ रैवली बिल्डअप करनी है ना भाई किससे बिल्डअप करवा रहा है भाई अंडरटेकर बटिस्टा की तो नहीं अब मैं अगले हफ्ते में भाई पैसा नहीं रहेगा मैं अगले हफ्ते में सोच रहा हूँ गोल्डबर्ग को निकाल दूँ सब जा तीन हफ्ते के लिए वो बेचारा इंजर्ड हो गया भाई जैसे कि आप लोग जानते हो यार हम लोग ये पहला चालू किए इसके बाद 50 वीक का भी चालू करना है तो इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है 15 वीक हाँ पैसे भी काफी ज्यादा लगते हैं भाई तो कोई नहीं यार तो हम लोग भाई हो गया चलो तेरा शो बुक मैं बोल रहा हूँ प्रोमो बुक मत कर मेन इवेंट नॉर्मल मैच क्यों लग गया है भाई टेबल्स टीएलसी मैच पूरे 80,000 कॉस्ट नहीं है भाई ये लोग नॉर्मल मैच में भी मेरे को लगता है कि दे देगा चलो चलो ठीक है तो अब कर प्रोमो नहीं कर सकते भाई इस बार थोड़ा भाई 80,000 तो चला गया तेरा यहाँ पर और लॉजिस्टिक देख लेते नहीं ये तो कर लिए ना हाँ मैनेज रोस्टर से चेक कर लेते हैं ये क्या ये पैसे चाहिए भाई फूटी कौड़ी नहीं तेरे जेब में और तू रोस्टर कर दी भाई मैं जॉबर को भी नहीं ले सकता हूँ चलो ठीक है हटा स्मैकडाउन के बाद और कम एक चीज मैं यूज कर सकता हूँ प्री मैच फिजियो बेकी लिंच के ऊपर मैंने बेकी लिंच के ऊपर यूज करूं कि अंडरटेकर का तो मैच ही नहीं है तो बेकी लिंच के ऊपर यूज कर लेता हूं मैं चलो भाई तो हो गया तेरा अब खत्म करे यार रेटिंग स्मैकडाउन नंबर 1 पे ये तो मेरे को देखना ही नहीं चलो भाई लोग फाइनली बुक करते हैं यार शो बुक करो यार ये कंफर्म बुकिंग भाई अगर बिगी को निकालता नहीं ना तो कसम से बता रहा हूँ शो को अफोर्ड नहीं कर पाता ठीक है ये हुआ तेरा कंफर्म बुकिंग बट यार बिगी को निकालने में मेरा कोई हाथ नहीं मैं बताना चाहूंगा ये ठीक है चलो भाई कंफर्म बुकिंग कर रहे हैं यार शो ये वो होता है अमन का शो कंफर्म बुकिंग चलो यार स्मैकडाउन आ गया हाँ है भाई ठीक है पता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट तुम्हारे पैसे भी नहीं देने के लिए देंगे करेंगे भाई अराउंड 1.5 लाख मांग रहा है कहां से देगा हाउ अबाउट 101K मैं तेरे पास उतने भी हैं पूछते हैं भाई पूछने से क्या होता है ओ ठीक है चलो तेरे को इसको देना होगा देंगे स्मैकडाउन की बुराई कर रहा है ये इतनी हिम्मत अभी ये भी 100K मांग रहा है भाई 1 लाख ये भी मांग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी जाने नहीं दे सकते यार इसको भी प्रॉमिस करके लटकाते हैं रुक भाई ये तो तुम क्या सरकार वाला काम कर भाई रुक ना लटकाने दे इंक्रीज हुआ देंगे सब रोमन रेंस का मैसेज आया भाई रोमन रेंस का क्या मैसेज आया भाई लिटिल आई हैव ओवरसीज अ लिटिल पार्टनरशिप नेक्स्ट वीक यू हैव माय बैक अच्छा ठीक पार्टनरशिप करने बोल रहा है बॉस के साथ रोमन रेंस यहां भी चीटिंग लुक चलो ठीक है देखेंगे भाई देखेंगे ओके क्या बोलता हां बोलना नहीं बोलना बोलना हां बोल देते हैं पार्टनरशिप तो करना पड़ेगा रोमन रेंस के साथ यार ये फ्यूचर स्मैकडाउन का आई विल बुक यू इन अ मैच विद मी इन अ कॉर्नर नहीं नेक्स्ट 3 वीक्स मतलब कि टैग टीम मैच में नहीं टैग टीम मैच में नहीं भाई वो शेन मैकमैन टैग टीम में कैसे जाएगा मतलब जीएम जी तो ठीक है नेक्स्ट 3 वीक बोल रहा है ना तो ठीक है कर सकते हैं चलो ठीक है नेक्स्ट 3 वीक बोल रहा है ठीक है भाई एक्सीडेंट कंटिन्यू चल भाई शो बुक करते हैं ओपनर रखते हैं चलो काम कर लॉजिस्टिक मेरे पास भाई जीरो शो कैसे बुक करेंगे भाई सारे नॉर्मल मैचेस रखने होंगे या तेरे को किसी को निकालना होगा अभी के अभी मैंने रोस्टर भाई स्मैकडाउन को कॉस्ट जीरो सारे रोस्टर खरीद लिए यार बजट जीरो मैंने रोस्टर में जाते हैं यार देखते हैं कोई किसी को केविन ओवेंस को निकालते हैं रॉक के साथ लेवल 2 की राइवलरी चल रही है कोई बात नहीं केविन ओवेंस को निकालो इससे बेटर मैं बताऊं नाया जैक्स को निकाल दो किसी की राइवलरी नहीं चल रही देख लो कितना केविन ओवेंस का कितना देखो कितना मिल रहा है इसका नाया जैक्स का 44,000 मिल रहे हैं केविन ओवेंस का 15,000 नाया जैक्स टाटा और मैं सोच रहा हूं तुम केन को भी निकाल सकते हो इसके मिल रहे तुमको 17,000 नहीं छोड़ो एक से रुक अगर नाया जैक्स को निकाल देंगे अच्छा द रॉक की एनर्जी खत्म है फाइट नहीं कर सकता आज वो साशा बैंक देख तो भाई हम लोगों ने इस चीज को साशा बैंक को देख तो एनर्जी साशा बैंक का 1 वीक के लिए इंजर्ड है वो कितना पैसा मिलेगा 48,000 सर
साशा बैंक रॉक आज फाइटिंग कर सकता है? रॉक आज फाइट नहीं करेगा, तेरा चैंपियन भाई रॉ स्मैकडाउन। अरे यार बहुत बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुसीबत में स्मैकडाउन। और 1 लाख चाहिए भी उसको, बताओ कौन बात का 1 लाख चाहिए तुमको यार। इंजर्ड होकर बैठ गए रॉक, मेरा भाई रॉक इंजर्ड होकर बैठ चुका भाई। स्मैकडाउन का शो जाने वाला है बहुत बुरा, एक्सेस बुरा, बहुत बुरा जाने वाला भाई। बजट जीरो भाई, हमने उम्मीद करी थी कि वो कम होगा, इतना कम होगा, इतना कम जीरो। चलो ठीक है, आई थिंक किसको निकालू, किसको ना, मैं तो बता रहा हूँ रोमन को नहीं, साशा बैंक। चलो साशा बैंक, टाटा साशा, टाटा सी यू, रिलीज टैलेंट कंफर्म। 48,000 मिले आपको, तो अब कम से कम अरीना ले सकते हैं भाई, उसके बाद बुक करते हैं शो। पहले शो बुक कर लो, मैं बता रहा हूँ। ओपनर में रखते हैं टैग टीम मैच, नॉर्मल सब तो नॉर्मल रहेगा। ब्रॉन स्ट्रोमन केतली वर्सेस जेउसोस, ये भी रेवरी लेवल 4 पे जा चुकी है। यस चलो, ये नॉर्मल। दूसरा मिड कार्ड का मैच ये रखते हैं हम, देख ले। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुक। ओपनर में टाइटल मैच रखते हैं यार, नाया जैक्सन से शाइना ब्लेजर, वुमेन्स टैग का टाइटल मैच रखते हैं ओपनर में यार। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, वुमेन्स का टाइटल मैच तुम टाइटल मैच रखते हैं। रुक तो रख लो भाई, भाई स्मैकडाउन बहुत जल्दी आने वाला है, अमन जीत जाएगा भाई नाया जैक्स, ये टाइटल मैच के लिए। चलो और मिड कार्ड में रखते हैं ये क्या है यार, इसका टैग टीम मैच। चलो भाई तुम्हारी मर्जी भाई, रुक एक सेकंड, रोस्टर मुझे देखने दो यार। रॉक ज्यादा कोई चॉइसेस नहीं तुम्हारे पास, फाइट कर सकते हैं। नीचे जाते रुक तो देखते हैं नीचे, रॉक नहीं, रॉक इंजर्ड है 1 वीक के लिए। तो अपने पावर कार्ड्स देख सकते हो कि रिहैब, इंजरी रिहैब, कॉन्टैक्ट, अरे ये तुम यूज करके देख सकते हो कि रिड्यूस इंजरी टाइम फॉर 1 सुपरस्टार बाय 3 वीक्स। रॉक के ऊपर यूज करते हैं, देखिए क्या होता है रॉक के ऊपर यूज करके। रॉक रिटर्न आएगा क्या, देखें जरा, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन भी रॉक के ऊपर यूज करेंगे यार। रॉक रिटर्न बट जीरो स्टैमिना भाई, जीरो। कोई बात नहीं, आज फाइट कर लेगा, अगले वीक जीरो स्टैमिना, फाइट ही कर पाएगा, फाइट तो लग ही रहा है, फाइट में तो लग ही रहा है यार। इंजर्ड हो, चलो ठीक है, इंजर्ड हो जाएगा। मिड कार्ड में लगाते हैं टैग टीम मैच। मिड कार्ड में ये लग गया मेरे भाई आपका टैग टीम मैच। चलो एक सेकंड, एक पावर कार्ड और यूज करते रुक तो। कॉन्ट्रैक्ट रॉकी को पर फ्री एजेंट है, वो दूसरा चीज है भाई। ओ माय गॉड, मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट, चलती कोई बात नहीं। बुक शो में जाते हैं, मिड कार्ड में जाते हैं, टैग टीम मैच रखते हैं, ये भी नॉर्मल है। मैच तो 3 बार रख चुका है भाई। हाँ चलो ठीक है भाई, लेवल 4 में जा रहा है। उसके बाद तीसरा में आते हैं, और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोमन रेंस को फाइनली काफी टाइम इंतजार करने वाला फाइट कर रहा है। ड्रू मैकइंटायर से नहीं तो किससे, रोमन एज से फाइट करेगा, एज से दुश्मनी चालू कर रहा है। यस यस, स्पेशलिस्ट है वैसे भी एज। चलो ठीक है, इसलिए अच्छा जाएगा मैच, रोमन रेंस वर्सेस रेडेड आउट सुपरस्टार एज। और फाइनली केन को मौका मिलेगा टाइटल शॉट, एक बार फिर टाइटल शॉट मिलेगा केन को फिर से। हाँ रॉक के अगेंस्ट भाई, ये पता नहीं फाइट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जीरो है इसका। मुझे ये देखना है केन। चलो चलो ठीक है, टाइटल मैच ऑन, ये है कंफर्म बुकिंग। और भाई ये ले लोगे? हाँ अरीना लेना है भाई, अरीना लेना है, क्योंकि 40,000 कॉस्ट आएगा उसके बाद। देखा तो टीएलसी मैच ऐड कर सकते हैं, नहीं 30,000 का टीएलसी। चलो 8,000 के बजट के साथ कंफर्म बुकिंग करते हैं, पूरा पैसा लौटा के। तू क्या आसरा है, तेरे पास भी पैसा नहीं है भाई। वो ठीक है, तुमसे ज्यादा अमीर हूं मैं। चल ठीक है, तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हूं मैं। हाँ ठीक, कंफर्म करूं बुकिंग? कंफर्म। चलो भाई कंफर्म बुकिंग। अब मेरे को लग रहा है कि शाइना बेजलर भी इसके बाद नॉर्मल मैच में है भाई। हाँ वो तो स्टैमिना कॉस्ट जीरो, ठीक है चलो, स्टैमिना इसलिए तो फाइट करवा रहा हूँ भाई। 40,000 कॉस्ट के साथ चालू करते हैं स्मैकडाउन। चलो स्मैकडाउन चालू, पूरे हम लोग फकीर हो रहे हैं। सस्ता भाई सस्ता, डोनेट कर दो यार पैसा। चलो भाई डोनेट करो ये मैच। डेमियन प्रिंस मेरे भाई, अच्छा मैच देना प्लीज। हाँ ये अच्छा मैच देगा, 4 रेटिंग का, 1, 2, 3 क्लासिक, आई थिंक क्लासिक देगा। अमेजिंग यार, राइवलरी कंप्लीट, दुश्मनी अब इन दोनों की खत्म। अरे यार ये दो टीम की दुश्मनी, ये तो सस्ता में निपट गया यार। चलो ठीक है, अमेजिंग मैच। अब ये भी ये देखें, ये सिमुलेट यार, स्पेक्टेट कर सकते हैं हम लोग, सिमुलेट कर देखता हूँ। वहां भी स्मैकडाउन दो मैच है। हाँ चलो सिमुलेट, 1, 2, 3 विनर्स चाइना, फिर से रिटर्न कर लिया। अमेजिंग, फिर अमेजिंग मैच, वहां सस्ते में निपट रहा है ये लोग।
मिड कार्ड ये मैच भी कवर कर रहे भाई, ये तो ये मैच तो एक्सपेक्टेड कर रहे एक्सपेक्टेड कर। चलो ब्रॉक द न्यू चैंपियन ब्रॉक, मुझे लगता नहीं रैंडी ऑर्टन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। चलो भाई लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग, ये टीएलसी मैच है, ज्यादा लंबा जाएगा, बहुत चाटेगा, लेकिन देखते चलो भाई। चाटे क्या बात कर रहा तू, टीएलसी मैच है भाई, और टीएलसी में टीएलसी मैच ना हो ये स्मैकडाउन वाली प्रथा हम लोग नहीं कर रहे। ओ ठीक है, दादा मार दिया ना, तो स्मैकडाउन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है अभी, टीएलसी पेपर व्यू में टीएलसी नहीं कर रहा है, पैसे नहीं है तो इतना बोल रहा है। स्मैकडाउन बुक कर दो सब चैट पे, स्मैकडाउन स्मैकडाउन ये तो का टाइटल रहा हमारा रैंडी ऑर्टन का। अरे रॉ को आगे निकलने का मौका दे दे रहे हम, समझा, 3 वीक से लगातार हम ही आगे, स्मैकडाउन आगे, 2 वीक 3 वीक अरे 2 वीक भाई, एक तीसरा वीक तुझे बीट करके शो शो ओवरऑल शो में मैं ही आगे था। चलो ठीक है, WWE चैंपियनशिप का मैच हो रहा है फाइनली, रैंडी ऑर्टन ने बोला कि मनु चैनल मैनेजर मुझे मौका दे रहा है, ये क्या कर रहा है। चलो ठीक है, मैच चालू करो यार, नए चैंपियन बनाया ब्रॉक लेसनर, फोरफिट से चैंपियन बन गया, फोरफिट से पता नहीं कि शायद टीएलसी में होल्ड भी कर पाएगा टाइटल के नहीं होल्ड। देखो सुनो, मेरे पास ना और कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि यार 15 वीक का शो है हमारा और जिसमें से 10 वीक हो चुके, सिर्फ 5 वीक बाकी हैं, और बिगी मेरा भाई 3 हफ्ता के लिए इंजर्ड। और सबसे खासी वाली बात, हम दोनों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है भाई, सारे रोस्टर खरीदने में मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई लोग के रॉ में कुछ एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें 15 वीक। अरे डीडीटी भाई, ये वाला जो रैंडी ऑर्टन का ऑटन का शॉट है ना, ये उसका सिग्नेचर है बाकी सब टूके में। हाँ, और ये नॉर्मल शॉट बना दिया रैंडी ऑर्टन का। हाँ भाई, तो आज गरीबों वाला टीएलसी हम लोग का चल रहा है भाई, मेरा तो ठीक जा रहा है, झूठ क्या बोलूं, मेरा ठीक जा रहा है, ठीक है, चल चल चल, मेरी दुश्मनी कंप्लीट हुई है। हाँ, तुझे आगे निकालने और चाइना ने रिटेन किया अपना टाइटल, तो भाई जा तुझे आगे क्या करें, हमारे पास जीरो बजट वाला केस नहीं है ना, क्या करें। ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, इधर तो ब्रॉक लेसनर अटैकिंग में मेरे भाई, अरे यहाँ क्यों लैडर खोल रहे हो भाई, ब्रॉक लेसनर क्या कर रहे हो। लो भाई यहाँ पर मार रहा है रैंडी ऑर्टन, भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है भाई, लेकिन बहुत भाई ये तो बड़ा लैडर अंदर ले जाओ ना यार, कुछ तो करो यार, लैडर अंदर ले जाने का ट्राई कर रहा था, देखो ट्राई वो ले गया ना। हाँ चलो शुक्र है गया, वाटर ले गया लैडर। ब्रॉक लेसनर कहाँ जा रहे हो? हाँ खोल खोल खोल, तोड़ रहा मैच, छोड़ के जा रहे हो क्या लेसनर मेरे भाई? ब्रॉक लेसनर बन गया, ये रियल लाइफ की तरह ब्रॉक लेसनर रिंग को सर्कल कर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टाइम पास कर जब तक रैंडी ऑर्टन कुछ ना कुछ, एक बार तो तोड़ लेगा मेरे ख्याल से। हाँ तोड़ लिया ना, रैंडी ऑर्टन टीएलसी मैच में एक नंबर खेलता है। चलो ठीक है, ये सब अच्छा कर रहा है। दो, ओ माय गॉड, अब वो गिर जाएगा नीचे। अच्छा ब्रॉक लेसनर का बारी आ गया, टेबल खोल के स्लैम मारता ना तो वो नेक्स्ट। अच्छा टेबल तोड़ के करना क्या था ऊपर, या देखो ब्रॉक लेसनर एक टाइम, अच्छा शुक्र है गया रिकवरी भाई, दोनों में से कोई डैमेज ही नहीं हुआ है, नो डैमेज है। अरे एक बार और तोड़ने देना यार रैंडी ऑर्टन, एक बार और नहीं तोड़ने दिया, दोनों में से कोई डैमेज ही नहीं। दो बार तो पहले ही किया था, अब चल ब्रॉक लेसनर नकल करते हुए ये कर रहा है, अब लगता है रैंडी ऑर्टन के नीचे जाने का चांस है, जाओ टाटा ऑर्टन, चांस क्या, वो नीचे ही जा रहा है। अब देखते ब्रॉक लेसनर क्या करते हैं, ब्रॉक लेसनर कुछ कर यार, वो कुछ नहीं। हाँ अभी ब्रॉक लेसनर को होश आया, दो बार तोड़ दे यार ब्रॉक लेसनर, टाइटल लेना चाहिए क्योंकि रैंडी ने, चल एक बार और, दो बार और, तीन बार और, तो बहुत क्विक भाई। अरे नहीं, अरे रैंडी रोक दिया भाई, ब्रॉक तो बहुत क्विक है यार, मुझे लगा था मैच खत्म होने वाला है यार। चलो भाई लोग देखते हैं, लेकिन ये तो मैच खत्म, और ये एमएमए की फाइट ब्रॉक लेसनर, और F5 नहीं, F5 नहीं, चलो जो भी दिया था शॉट, वैसे भी रैंडी ऑर्टन ने बचा लिया। अरे यार ये मुझे लगा मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी कहां से, क्या बात कर रहा है तू, कर देते भले ये मैच इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत है, बट इतनी जल्दी कहां, तो ठीक है भाई ये भी चलेगा, ये भी चलेगा भाई। ऑटो नीचे जाते हुए कुछ टेबल वे बुलाने के चक्कर में, बहुत सस्ते वीक में मुझे नहीं मिला था भाई, तीनों चीज आ गया, टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स, ओ टीएलसी को पूरा जस्टिफाई कर रहा है भाई, रॉ ओपी कर दो सब चैट में भाई, तीनों चीज मेरे बंदे यार, तीनों चीज लेके आ गए, वाह मजा आ गया। ब्रॉक लेसनर के पास सिग्नेचर आने वाला है, रैंडी ऑर्टन के पास सिग्नेचर आ चुका है, लेकिन जहां तक हम ब्रॉक लेसनर को जानते हैं ना, वो लैडर लगाएगा नहीं, लगाएगा भी तो गलत सलत जगह पे, बात दे रहा है लैडर, ब्रॉक लेसनर को तुम हल्के में ले रहे हो भाई, तो ठीक है सही जगह पर लगाया, ब्रॉक लेसनर को तुम हल्के में ले रहे हो, चलो चढ़ गया रैंडी ऑर्टन, तुम भी एकदम किनारे चढ़ गया भाई, भाई इन दोनों को चढ़ जाना चाहिए था पता है। हाँ अरे यार फिर से लैडर गिरा दिया यार भाई, कोई मैं तो चाह ही रहा हूँ कि ये भाई कोई F5 दो, RKO दो, कुछ तो करो भाई, मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से खत्म हो रहा होगा सस्ता इवेंट भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस यही टीएलसी था कि और भी कुछ लगाया था क्या? नहीं नहीं वो यही ये टीएलसी, और जो मेन इवेंट है वो टेबल्स मैच,
अच्छा उसमें भी टेबल सच। हाँ वो टेबल गरीबी में आटा गीला कर रहा है तू भाई। अब पैसे नहीं तो क्या करूं। एक बार गिर गया ना तो ब्रॉक लेसनर बहुत क्विक है। गिर गया है वो लगता गया या बचा लिया पता नहीं। बचा लिया भाई ऑटो ने बचा लिया है लेकिन नहीं फिर भी गिर गया। ब्रॉक लेसनर देखो दो बार तोड़ चुका है। ब्रॉक लेसनर बहुत क्विक है। ब्रॉक लेसनर तोड़ने के मामले नहीं नहीं तोड़ पाया। अरे एक बार अरे रैंडी ऑटन अलग चक्कर में भाई। या तुम तोड़ो या तो उसको तोड़ो। ऑटन के पास फिनिशर आ गया। फिनिशर आ गया ऑटन के पास। हाँ लैडर सेट करके दे भाई। लैडर से कहीं फिनिशर ना मार दे ब्रॉक लेसनर। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि लैडर ही से मारेगा। अरे गलत साइड से चढ़ रहा है ब्रॉक लेसनर। रोक लेगा लेसनर। रोक ब्रॉक लेसनर जा तुम भी चढ़। अरे नहीं यार नहीं ये काम मत करना भाई। कोई किसी को तोड़ने नहीं दे रहा चार के बाद। क्या कर रहे हो यार तुम भाई। चार के बाद एक बारी भी नहीं तोड़ा किसी ने। ब्रॉक लेसनर अब लगता है सिग्नेचर लगाएगा। सिग्नेचर लगाएगा पक्का। हाँ लगा दिया सिग्नेचर। चलो भाई फिनिशर देख। बचा लिया ऑटन ने। बचा लिया भाई। आर क्यों वी वांट। अरे ब्रॉक लेसनर भाई ऑटन लग रहा है जीत जाएगा भाई। अब लैडर सेट करेगा। नहीं किया सेट। मनुष्य है ब्रॉक लेसनर कसम से बता रहे हैं। लैडर भी सेट नहीं करता है भाई। ऑटन कुछ तो तुम कर यार। तीन पांच कुछ तो जलवा दिखाओ यार। ऐसे थोड़ी होता है मतलब। लैडर ओ बाहर फेंक रहा है। फेंक दे उसके बाद लैडर सेट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। बट रिकवरी क्विक है। क्विक रिकवरी है। देखो गलत वहां क्यों लगा दिया। अब वहां चढ़ के करेगा क्या। अरे भाई वहां चढ़ के कर क्या रहा है। वहां से भी मिलता है क्या। अरे ब्रॉक लेसनर इज गोइंग एक्सट्रीम। जंप कर दो लेसनर मेरे भाई जंप। क्या ये जंप करेगा। कर दिया नहीं। अरे बटिया लगा नहीं। रेनियर तो बोला होगा अंधा फाइटर कहां जंप कर रहा है। निशाना नहीं भाई। निशाना नहीं लगा कोई। लो रेनियर आरकेओ भाई स्टार्ट हो चुका। पर अरे उठा दिया ऑर्डर ने। क्यों गलत जगह पर लेटा हुआ था हमार भाई। तो पूरे जो भाई इनकी दुश्मनी की शुरुआत ही कुछ एक्सट्रीम हुई है भाई। चल ये अच्छा मैच तूने दिया है। बट यार रेटिंग में जाऊंगा तो यार लिखा जाएगा कुछ और। नहीं रेटिंग में दो मैचेस को तो तुझे तेरा अमेजिंग अमेजिंग मिल चुका है। चार स्टार भाई। क्लासिक चाहिए मेरे को। आई वांट क्लासिक मैच। रैंडी ऑर्टन फिर बचा दिया। रैंडी ऑर्टन का सिग्नेचर आ गया है। लैडर सेट करो ना यार। तुम लैडर सेट कर रहे हो। रैंडी ऑर्टन मेरे भाई ऊपर से क्यों कूद रहे हो। लगेगा भी उसको। चलो मारा कमूरा पकड़ लिया। लेकिन आई थिंक रैंडी ऑर्टन बचा के ऊपर आ जाएगा ब्रॉक लेसनर के। मुझे ऐसा लगता है। देख लेते भाई देख लेते। वो वैसे भी बहुत है। अभी स्टैंड है रैंडी ऑर्टन। और उसके बाद फिर इन दोनों का लैडर भाई लैडर लैडर सेट कर यार। शुक्र है ब्रॉक लेसनर को याद है। ब्रॉक लेसनर को याद आ गया भाई कि ये टीएससी मैच है। हां ठीक है ठीक जगह पे। हां ठीक जगह पे। नहीं मेरे को नहीं लगता। ठीक है ठीक है क्या। हाँ शायद ठीक है। हाँ ठीक है भाई लो। चल भाई प्रथा को आगे बढ़ाओ। ओ बस दो बार और। बस कर लिया। रिटेन कर लिया। तेरे किस्मत में टाइटल लिखा ही हुआ नहीं है। मैं क्या बोलूं। रैंडी ऑर्टन मेरे भाई दो बार तुमको चांसेस मिला यार। क्या कर रहे हो। दोनों बार तुम फेल हो गए यार। मैं तो बोलता हूँ इसको रिलीज कर। रैंडी ऑर्टन भाई रॉ के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है तो ब्रॉक लेसनर टाइटल जीत चुका है। ये देखिए ब्रॉक लेसनर ने पेपर व्यू में अपनी इज्जत रखी। ब्रॉक लेसनर ने पता है क्यों। क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ कि अमेजिंग मैच। चलो यार तीनों हैट्रिक हो गया। वाह लेवल तो मुझे तो जानता उम्मीद नहीं है कि मेरा एक भी मैच को अमेजिंग मिलेगा भाई। चलो ठीक है बहुत बहुत रोबर इसको काफी टाइम के बाद फाइट करवा रहे हो यार। चलो ब्रॉक लेसनर यार रिटेन कर लिया टाइटल। चलो चलो अब इसको करो। ये भी सिमुलेट करूंगा मैं। हाँ तो वही कर। चलो सिमुलेट करूं या देख लूं। सिमुलेट कर। चलो सिमुलेट कर रहे हैं। वन टू थ्री। ये भी तेरा अमेजिंग या क्लासिक जाएगा। ओके ओके भाई इनकी राइवलरी का मैच चाहिए यार। क्या किया इन लोगों ने। लेकिन तभी कंप्लीट हो गया तुम्हारा पूरा और तू काफी अच्छा गया रहो भाई। मेरे को लगता नहीं यार। ओके क्यों कर दिया इन लोगों ने भाई। तीन मैच में तेरा 4 स्टार मिला है भाई। मुझे नहीं लगता मेरा एक मैच में मिलने वाला है। चलो भाई लोग कंटिन्यू करते रहो यार। ये रहा आप लोगों का रो। बट यार चलो अब चलते स्मैकडाउन की तरफ। अच्छा तो भाई मैं इनको बीच में रख देता मिड कार्ड में और मेन इवेंट में। ज्यादा तूने क्या गलती की। इसको तुझे रखना चाहिए था ओपनर में। मुझे ऐसा लगता है भाई ओपनर में तू या तो तुझे टाइटल ओपनर में ओके मैच नहीं रखा जाता। चलो ठीक है भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। या नहीं ये इस मैच को तुमको मिड कार्ड में रखना चाहिए था यार। टाइटल मैच को या मेरे को स्टिपुलेशन ऐड कर देता ना तो शायद मैं भी। चलो ठीक है चलो अब स्मैकडाउन की बारी है भाई। कंटिन्यू करते हैं भाई। फाइनली स्मैकडाउन आ रहा है। टाइटल मैच सिमुलेट कर। देखते नायजक बनती है कि नहीं। कर वन टू थ्री। नायजक्स नायजक्स बन गई यार। ग्रेट ग्रेट मैच। 3.5 स्टार तब भी तेरे नायजक्स बन गई भाई। ये अच्छा हुआ। मैं चाहता था नायजक्स बन। इसको सिमुलेट कर।
चलो भाई ये ब्रॉन स्ट्रोमैन पक्का इंजर्ड है। ओ जाओ, वन टू थ्री, ब्रॉन स्ट्रोमैन इनकी भी दुश्मनी कंप्लीट हो जाएगी। क्लासिक क्लासिक चल गया यार, ओ माय गॉड, इनकी भी दुश्मनी कंप्लीट हो गई है। चलो चलो, तो ये मैच स्पेक्टेट करेंगे। ब्रूजर वर्सेस स्पेशलिस्ट का मैच है, मुझे लगता है कि शायद अच्छा जाना चाहिए। रोमन रेंस काफी टाइम के बाद फाइट कर रहा है, तो सब कोई कमेंट में वेलकम बैक रोमू कर दो यार, वेलकम बैक रोमू। चल इसको एक्सपेक्टेड दो, स्पीयर वर्सेस स्पीयर का फाइट हो रहा है, स्पीयर वर्सेस स्पीयर, तो चल देखते हैं भाई क्या होता है। और मैं इनकी दुश्मनी को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूं। वैसे ड्रू मैकइंटायर के साथ भी रोमन रेंस की दुश्मनी है। अच्छा वैसे तुम्हारे चैंपियन को मैं तो भूल ही गया, रॉक, रॉक इंजर्ड रॉक जो जिसने 1.5 लाख रुपए मांगे वही रॉक भाई, तो करूंगा करूंगा। चलो भाई स्किप करते हैं सीन को, टेंशन क्यों लेता है, रॉक को रखूंगा अभी अपने पास। रॉक और यार आ चुके हैं, अब आज देखते कौन है, एज और रोमो, स्पीयर वर्सेस स्पीयर। मेरे को लग रहा है ना कि रोमन एज जीत जाएगा। अरे एमएमए फाइट, नहीं दोनों में अच्छा फाइट किया भाई, एज ने भी दिखा दिया कि मैं भी एमएमए फाइट कर सकता हूं। चलो ठीक भाई, एज स्पेशलिस्ट है, तो देखता हूं कि अब इसके मैच कैसे जाते हैं भाई। बे तो क्लासिक मेरे को बेकी लिंच और रिया रिप्ले ने डिसअपॉइंट कर दिया, पता है। ओके मैच देखे, ओके मैच देखे मेन इवेंट में। चलो ठीक है, मेन इवेंट में मुझे लगता है रॉक फाइट कर रहा है तो क्लासिक तो जाएगा ही भाई, क्लासिक तो जाएगा ही, क्या बात कर रहे हैं, क्लासिक तो जाएगा। और वैसे भी लेवल 2 का जा रहा है केन और रॉक का, केवन केन और रॉक का लेवल 2 का नहीं है भाई, देखते हैं क्या। हाँ यार लेवल 1 में फाइट कर चुका है, मतलब ग्रेट मैच तो जाना ही है वो, देखते हैं। लो भाई मार दिया, रोमन रेंस ने अपना कमबैक किया है, तो मैं चाहता हूँ यार रोमन रेंस जीते यार। चाहता है भाई, मैं चाहता हूँ नहीं, रॉक एज जीते रही रोस्टर है, क्या कर रहा है, एज ही जीत सकता है यार, स्पीयर का जंग हो रहा है यार ये, ये एज एमएमए खेलेगा, अरे पूरा भाई ब्रॉक लेसनर से ट्रेनिंग ले रहा है क्या ये टॉच, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर को ट्रेनिंग दे रहा है भाई, ब्रॉक लेसनर से मैं बता रहा हूँ ना, वो ट्रेनिंग ही ले रहा है। और रोमन रेंस की काफी एनर्जी जा चुकी है, लगभग दोनों की बराबर है, लेकिन मैच में चली गई इसकी एनर्जी, एनर्जी रोमन रेंस की जा रही है स्टन होने के चक्कर, नहीं कम बैक कर लिया, दो चार शॉट और मार लेता ना सक्सेसफुली एज, तो मतलब इसकी एनर्जी चली जाती। हाँ अभी लगता है मार देगा, चलो बाहर कर दिया, बाहर कर दिया एज ने रिंग साइड के बाहर। तुम्हारे कोई स्पेशल मैचेस हैं? नहीं कोई, सब नॉर्मल भाई, इस नॉर्मल में क्लासिक दिया उन लोगों ने, तो भाई पैसे नहीं थे, स्मैकडाउन के रोस्टर को पता है कि अभी थोड़ा हार्ड टाइम है, तो इसलिए सब दे रहे हैं अच्छे अच्छे मैचेस, समझे भाई। इस बार भी लगता है मैं रॉ हार जाएगी, बट नहीं हमारे पास ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हार जाएगा भाई, इन मैच में तो लगातार चाचा स्टार्ट किया है भाई, मेरे को लग रहा है ना कि देखो देखो, तो आप तो रिजल्ट बताएगा, इस मैच में अगर 4 स्टार हमको मिला ना तो तू समझ ले शायद हार सकता है रॉक। चलो देखते हैं भाई, चलो भाई देखते हैं, रॉक इन्वॉल्व है ना मैच में, तो वो ग्रेट जाना ही है, देखते हैं देखते हैं। पहले इस मैच से मुझे उम्मीद है, देखो कितना जाता है इस मैच में। रोमो कुछ कमाल दिखाया यार, रोमन रेंस का बहुत एनर्जी जा चुका है और एच को सिग्नेचर आ ही रहा है एच, भाई रोमन रेंस का बहुत ज्यादा एनर्जी चला गया, तो सही सही जगह पे तुमने मेरा ध्यान केंद्रित कर दिया, रोमन रेंस का और एच का लगभग सिग्नेचर आ ही गया, स्पेशलिस्ट है यार एच। रोमन यार कमबैक, तुम्हारा कमबैक मैच है यार, मैं बताऊं इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा जा सकता है, क्योंकि ना एच इज अ स्पेशलिस्ट, तो इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन बैठाना चाह रहा हूं रोमन रेंस का। ओ मार दिया रोमन रेंस, अब देखें कुछ तो जलवा दिखाओ यार रोमन रेंस, सिग्नेचर आ चुका है एच का यार रोमन रेंस। अच्छा सिग्नेचर आ गया, हाँ एच का आ चुका है, और मुझे लगता है कि भाई पूरे फाइटिंग चांसेस में एच, एच जिस सिग्नेचर देने के मूड में, हाँ लो दे दिया सिग्नेचर, सिग्नेचर दे दिया भाई, सिग्नेचर दे दिया एच ने, बहुत ये इस टाइम पे सिग्नेचर ना बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा, टैप आउट तो नहीं करेगा रोमन रेंस, रोमन रेंस के बाद 2-3 शॉट के बाद सिग्नेचर आ जाएगा, लेकिन एज अगर उसके बाद स्पीयर दे दिया, एज अभी अगर रिवर्स कर देता है ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो अब क्या होता है, अभी अगर रिवर्स का मतलब है कि स्पीयर नहीं, अब इस पोजीशन में तो स्पीयर नहीं पड़ सकता, चलो ठीक है, बट एनर्जी बहुत, एनर्जी बहुत जा चुकी है रोमन रेंस की, बहुत कम एनर्जी, शक है कि एक स्पीयर में बचा पाएगा, कि लोग कूद रहे ऊपर से भाई, ये तो बहुत अच्छी तकनीक पे जा रहा है, पहले डैमेज कर दे रहा है, नहीं तो अगर अभी फिनिशर मार देता ना तो हो सकता, दूसरा फिनिशर आने वाला है, देखो शायद पिन हो जाए, 1 2 इतना इजली तो पिन नहीं होगा। रोमन रेंस का सिग्नेचर आ चुका है और एच का फिनिशर है भाई रोमन रेंस, चलो रोमन रेंस सिग्नेचर मार सकता था रोमन रेंस, बट अभी मारा नहीं रोमन रेंस सिग्नेचर, एच की बहुत एनर्जी है यार, कोई बात नहीं, एक बार जानी शुरू हो जाएगी पूरी चली जाएगी भाई, मुझे लगता है रिवर्स कर देगा, रिवर्स कर दिया एच, मुझे लगा ही था कि इस शॉट को रिवर्स कर देगा एच भाई, स्पीयर इज गोइंग फॉर स्पीयर, और चांस बहुत कम है, अगर ये स्पीयर लगा दिया ना इसने तो हो सकता है कि पिन हो जाए, लगा दिया स्पीयर, देखिए पिन होता है कि हो जाएगा पिन, 100% पिन, 1 2 किक आउट,
किक आउट। लेकिन एज अभी भी बहुत अच्छे चांसेस में यार जीतने के, क्योंकि इसका फिनिशर दो या तीन शॉट्स के बाद आ जाएगा। सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच, गिलिटीन के चक्कर में आई थिंक। हाँ, ओ स्पीयर इसका चेंज नहीं किया देगा हम लोग। आ जा भाई, गिलिटीन मार दिया। एज लगता तो नहीं है कि टैप आउट करेगा। नहीं, इतनी अर्ली में तो टैप आउट नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी काफी खत्म कर दी रोमन एज ने, काफी खत्म कर दी रोमन एज के पास। क्या एज के, वो एज फिर से एमएमए के चक्कर में। फिनिशर दोनों का आ रहा है बराबर, अब दोनों का फिनिशर आ रहा है। रोमन एक दो तीन शॉट मारेगा, फिनिशर आ जाएगा उसका। रोमन एज बल्कि आगे मोमेंटम में, अभी जस्ट आगे निकला। अभी अगर किसी वही बोलने वाला था कि अभी फिनिशर आ गया, जिसने भी रिवर्स किया एज के पास फिनिशर है भाई लोग। अगर एज ने स्पीयर लगा दिया ना तो दैट वुड बी, यही जो गलती करती एज ने बचा लिया भाई, गिलिटिन बचाया। अब मुझे लग रहा है एज जीत जाएगा। नहीं, बचा लिया, रोमन ने भी बचा लिया। अगर स्पीयर लगा तो पक्का एज जीत जाएगा, 100% एज जीतेगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है एज जीत जाएगा। हाँ भाई, अगर स्पीयर लगा दिया ना तो 100% फिर किक आउट, 99% चांस लगा देगा। लगा दिया। अब किक आउट देखते हैं। किक आउट 100% किक आउट नहीं हो रहा इस बार भी। 1, 2, 3 तो एज ने रोमन रेंस को टीएलसी मैच का स्पेशलिस्ट है यार भाई। भले ही टीएलसी मैच ना हो बट पेपरव्यू तो है। चलो पेपरव्यू तो है, तो आई थिंक एज को टाइटल अभी, एज और रोमन रेंस की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है, लंबी जाएगी। और इनकी दुश्मनी जब कंप्लीट हो जाए, इनकी दुश्मनी जब कंप्लीट हो जाए और इन दोनों में से जो भी विनर बनेगा उसको तो टाइटल मैच दे सकता है। हाँ, टाइटल मैच तो जरूर दूंगा भाई। तो लो भाई, एज और रोमन रेंस की दुश्मनी। भाई एज का सेलिब्रेशन देख लो मेरे भाई, एज ने रोमन रेंस को हराया आज भाई। ये तो गजब है यार, गजब। एज ने रोमन रेंस को हराया भाई, नन अदर देन रोमन रेंस। तो ऑन दिस डे एज सी क्लियरली ओके। चलो तो भाई, लगता है अब रॉ जीत जाएगा। हो सकता है, क्योंकि रॉक जिस मैच में इन्वॉल्व है वो तो ग्रेट जाना ही मिनिमम, वो देखता हूं मैं। चलो ओके, मैच किया। चलो लेवल वन की दुश्मनी है, अब इसको भी यार एक्सपेक्टेड कर यार। बिचारी की एनर्जी सोल है। और केन को बेइज्जत किया था रॉक ने उसके डेब्यूट मैच में। अरे हाँ, केन को बेइज्जत किया था उसके डेब्यूट। चलो यार एक्सपेक्टेड भी कर लेते हैं ये मैच। केन को यार दो चांसेस देना यार थोड़ा सा बेकार मूव हो सकता है। केन जॉइंट है यार, जॉइंट को केन को लिया है भाई। केन को दो बार मौके देना। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन और टिटली का आखिरी हफ्ता है स्मैकडाउन में, दोनों की दुश्मनी खत्म हो चुकी है, तो अब टाटा टाटा करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन और टिटली को। समझा कि नहीं? चलो भाई, केन इज हियर, केन इज हियर, केन आ रहा है। तो अब देखो, केन को एक और मौका मिल रहा है, अंडरटेकर का भाई है यार, तो उसे टाइटल मौका एक बार और मिलना चाहिए यार। और काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था केन ने, अब देखते हैं यार क्या। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग भाई, रॉक आ चुका है। जिन्होंने ज्यादा पैसे मांगे हैं मुझसे, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन ज्यादा पैसे मांगे हैं। चलो अब देखते क्या होता है। रॉक वर्सेस द केन, द रॉक वर्सेस भाई केन। तुम्हारे टीएलसी में, अरे ये लोग भी एमएमए खेलना चालू कर दिए भाई। तुम्हारे टीएलसी में उमंग सारे नॉर्मल मैचेस हुए भाई, पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, टोटल नॉर्मल मैचेस हुए भाई। कोई बात नहीं भाई, बजट नहीं था ना, लेकिन मैचेस काफी अच्छे अच्छे हुए हैं भाई। क्लासिक मैच भी किया है मेरा, आप बताओ तो इस बारे में क्या बोलना चाहिए। क्लासिक भाई, क्लासिक मैच किया। हाँ यार, फिर टैग टीम वालों ने क्लासिक मैच दे दिया। मेरे रोस्टर ने क्लासिक मैच दिया नहीं दिया, लेकिन मेरे दिया रोस्टर मेरे, दिया। मेरे को उम्मीद थी ना कि रिया रिप्ले और बेकी लिंच के बीच में कि वो लोग क्लासिक मैच देंगे। रॉक का स्टन मीटर आ गया है भाई, केन पूरा बदल दिया। इस बार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि केन ही जीतेगा भाई। रॉक के सामने कुछ बोलना, न्यू WWE चैंपियन, सॉरी WWE नहीं, मेरे ब्रांड की चैंपियनशिप तू ले लेगा। यूनिवर्सल चैंपियन इज केन भाई। रॉक के सामने कुछ भी बोलना बेवकूफी है। रॉक ने भाई हमारी मन को हराया, और किसको इसको हराया रॉक ने? रोमन रेंस ने को, केविन ओवेंस को हराया, केविन ओवेंस, केन, और केन को भी हराया, ड्रू मैकइंटायर को, ड्रू मैकइंटायर इसको स्क्वैश किया। तो भाई यार रॉक के बारे में कुछ बोलना बेवकूफी है भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रॉक फिर से अटैकिंग मोड पे आ चुके हैं अपने, रॉक भाई साहब। ओ, काफी अटैकिंग मोड पे लग रहा है रॉक। केन, केन भाई इज्जत रख लो भाई, दोबारा मौका दे रहे हैं तुमको, दोबारा जाइन समझ के दोबारा मौका दे रहे हैं। बात अगर आई दोबारे मौके की तो यार, जैसे रैंडी ऑर्टन मेरा भाई हार चुका है। चलो ठीक है, केन का स्टन मीटर, मुझे लगता है रॉक स्टन, अगर स्टन हुआ ना तो बहुत दिक्कत। चलो ठीक है, हो गई दिक्कत भाई, हो गई केन को दिक्कत। केन नहीं घंटा जा रहा, नहीं रॉक नहीं जीत रहा, केन नहीं जीत रहा भाई, घंटा नहीं जीतने वाला। चलो एक ही शॉट खाएगा रॉक, पूरा टाइम पास कर, मुझे लगता है शायद बच सकता है।
पूरा टाइम पास कर दिया स्टर्न मीटर को, बचा लिया भाई केन, तुम्हारी बातों से गुस्सा हो गया ठीक है, लेकिन रॉक के पास अभी बहुत एनर्जी है भाई, बहुत एनर्जी है रॉक। देखते भाई जब केन मारने पे आता है ना तो जेंडर नहीं देखता ठीक है, केन के पास सिग्नेचर आ गया, लेकिन रॉक के पास जो सिग्नेचर आने वाला है भाई पूरी तरह से अटैकिंग, लेकिन रॉक ने बचा लिया उसके बाद फिनिशर लगाया। चलो केन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं यार हम लोग केन को, हाई फ्लायर नहीं बच गया पीपल्स एल्बो, रॉक बॉटम, हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है रॉक बॉटम, नहीं बच गया बच गया बच गया भाई लोग, केन केन रिवर्सिंग मोड पे, ये रिवर्स कर दिया, केन बहुत संभल के खेल रहा है भाई, अभी अगर फिनिशर लगाया ना चॉक स्लैम, तो लेकिन गलत जगह पे बचा लिया, पक्का रॉक रिवर्स, पक्का रॉक जीत रहा है, रॉक को नहीं कोई हरा रॉक भाई, रॉक तो इस स्मैकडाउन में अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई, रॉक को नहीं हरा भाई, लगा दिया रॉक बॉटम, लो 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 गया, लगा दिया भाई रॉक बॉटम, गया वो, अभी तो नहीं जाएगा लेकिन इसके बाद चला जाएगा, चलो भाई पिन करो, वन टू भाई, जैसे कि उम्मीद था, और आप देगा पीपुल्स एल्बो, हाँ चलो गया रॉक केन, टाटा केन, या तुम अपने डेब्यूट मैच से हार रही हो यार, लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तुम्हारी, क्या करो केन यार, भाई केन मेरे भाई किक आउट करो यार, मैं मोटिवेट करता हूँ केन को, केन मेरे भाई किक आउट करो प्लीज, केन बच गया भाई, देखा मेरी मोटिवेशन का जलवा देखो, लेकिन अभी भी रॉक बहुत आगे, चॉक स्लैम लगा दिया, अगर बचाया नहीं रॉक ने तो किक आउट कर देगा ये रॉक, रोक ब्रेक है, वैसे भी रोक ब्रेक है यार, नहीं रोक ब्रेक नहीं, वन टू किक आउट, और रॉक ही अभी एडवांटेज में, क्योंकि उसका सिग्नेचर आ चुका है केन का, अभी तक सिग्नेचर आया नहीं है रॉक का, आने वाला है, और केन का भी आने वाला है, लेकिन रॉक का बहुत पहले आने वाला है, ओ चलो ठीक है बराबर कर रहा है, बचा लिया शायद, सबमिशन लगा दिया शायद, हाँ सबमिशन ने शायद बचा लिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं बचाया, नहीं बचाया, सबमिशन लगा दिया, और केन का सिग्नेचर आ ही गया भाई, केन जीतने की तरफ है, नहीं नहीं बचा लिया था शायद, अब लगता है मुझे स्पाइन बस्टर से मैटर खत्म होगा, मुझे ऐसा लगता है स्पाइन बस्टर से मैटर खत्म, लगा दिया, हाँ चलो, और ये फिनिशर के बाद सिग्नेचर के बाद फिनिशर जाता है पीपल्स एल्बो, पीपल्स एल्बो इस बार नहीं बचेगा भाई, बहुत डेंजरस चीज है भाई रॉक, भाई रॉक केन ने उठा, बचा लिया केन ने, केन अपनी इज्जत रखते हुए भाई, केन को जब से मैंने मोटिवेट किया है, बहुत बहुत गलत टाइम पे रॉक का, लेकिन स्टन होने वाला है केन, केन को बचाना होगा अभी, तभी वो जीत सकता है, अगर एक बार भी बचा लिया तो जीत जाएगा, नहीं नहीं बचाया, अभी नहीं बचाया, स्टन हो जाएगा, बट फिलहाल सिग्नेचर और फिनिशर के लिए रॉक का बहुत, लेकिन ऐसे भी पिन हो सकता है भाई, ऐसे भी कंप्यूटर पिन करवाते हैं, जैसे डीडीटी दे के पिन करवा सकता है केन, यार स्टन है अभी, ठीक हो गया एक बार बस, केन को बचाना ही होगा भाई, हाँ नहीं अभी दोनों नीचे हैं, केन ने दो बार पीपल्स एल्बो बचाया, एक इस बार कोई भी किसी को फिनिशर दिया ना वो हारे है भाई, बहुत ही नेल बाइटिंग सिचुएशन है यार इस मैच में, और बहुत ही ज्यादा नियर फॉल हो चुके हैं दो तीन बार शायद, और रॉक का भी फिनिशर बस जस्ट आने ही वाला है, अब देखते हैं क्या होता है, रॉक का भाई बात ही है ना कि जब से मैंने केन को मोटिवेट किया है ना तब से केन जोश में आई है, बोला ओ दूसरे बैंड वाला मुझे मोटिवेट कर रहा है, अब तो जोश में आना ही पड़ेगा भाई, क्यों मैं क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ पता है, इसका भाई मोटिवेट कर रहा है इसको, अंडरटेकर, अंडरटेकर का प्रेशर है मेरे ऊपर ठीक है, अंडरटेकर वो बोला केन ने बचा लिया है, अब देखते क्या होता है भाई, ये मेन इवेंट मैच है, देखते हैं इसमें, तेरा मेन इवेंट कैसे गया था, ओके ओके नहीं गया था शायद, हाँ ओके गया था, ओके गया, बेकी लिंच का मैच था ना, हाँ ओके गया, देखो मेन बात है ना कि इसमें रॉक इन्वॉल्व है, और रॉक का मैच हर मैच होता है ग्रेट भाई, अगर इस मैच में मुझे क्लासिक मिली है ना तब डेफिनेटली रॉक रॉ शायद हार सकता है, अगर क्लासिक मिली है मुझे तो, क्योंकि एक क्लासिक तेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, और अभी तेरे से शायद मैं एक स्टार से पीछे हूँ, वो तो रिजल्ट आने के बाद देखेंगे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी मैच ओवर करो ना, चलो मार दिया रॉक, रॉक के पास फिनिशर के, अगर यहाँ पर फिनिशर दिया ना, जो फिनिशर लगाया वो जीत, यहाँ पर अगर यहाँ पर लगाया तो, यहाँ पर लगाया तो नहीं जीत पाएगा भाई, अंदर लेके चलो भाई, अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे, अंदर ले आने के मूड में है ही नहीं रॉक, क्या कर रहा है, रॉक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है ना कि वो कोई भी मैच करता है तो वो ग्रेट ही जाता है, रॉक के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर, अंदर भी ले रॉक, यार क्या कर रहे हो, ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो क्या, इधर उधर फेंक रहे हो रॉक मेरे भाई, ऐसे मत करो, देखो अगर अपना फिनिशर यहाँ बर्बाद कर दिया,
चलो भाई। हाँ, ये लोग अब अरीना के बाहर बाहर जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। स्टन मीटर भी आ रहा है केन का, अब देखना है कि क्या होता है। पकड़ लिया रॉक ने। ओ स्लैम, गेंद का 3-4 बार स्टन मीटर फुल हो चुका है। रॉक का एक बार भी 3-4 बार, एक बार भी नहीं आया। कितना स्टन मीटर फुल। चलो केन को शर्म आ गया, बोला नहीं करवाएंगे भाई। एक दूसरे भाई, ये लोग पूरा सर्कल काट रहे हैं। वहां फेंकेगा, ये अभी चलेगा भाई, 2-3 बार चलेगा इनका। बैरिकेड तोड़ दो यार, अभी तक गेम ऑफ शॉट की हिस्ट्री में बैरिकेड नहीं टूटा, तोड़ दो यार एक बार। रॉक लगता है बैरिकेड तोड़ने के चक्कर में बट में होने वाला है। एक शॉट और खाएगा, स्टन हो जाएगा। हाँ स्टन नहीं होने वाला। हाँ स्टन, और अब तो पक्का अंदर आएगा भाई। कितना तुम स्टन हो रहे हो। हाँ, अंदर आएगा। अगर अंदर गए तो हार जाओगे। अंदर रॉक अंदर भेजने के मूड में नहीं है। रॉक चाह रहा है कि पूरी तरीके से इंजर्ट कर दे वो केन को। 1-2-3-4 भाई, क्लासिक मैच चला गया ये, मैं बता रहा हूँ तुमको। नहीं ऐसा भी तो कुछ हुआ नहीं है खास, मुझे तो भाई रॉक इन्वॉल्व है ना मैच में क्लासिक के भाई। नहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल जाएगा, 4 स्टार मिलेंगे, लेकिन अब क्लासिक रॉक अंदर चला गया वो फिर बाहर आ जाएगा, मेरे को पता है। ओ भाई कितना झूम रहा है केन यार, झूम बराबर झूम हो गया यार केन। केन ने बचा लिया भाई, केन अंदर लेके चलो। केन के भाई मैच की एंडिंग अंदर होगी भाई। केन क्या कर रहे हो, केन भी दो फिनिशर है यार, केन के पास दो फिनिशर, रॉक के पास भाई। ऊपर मैच जाएगा, खत्म हो जाएगा मैच ऊपर। जैसे ही दोनों गए, ये लोग जाने को रेडी ही नहीं। अरे अब जा रहे हैं शायद। नहीं भाई, नहीं, वो रॉक सोच लिया कि आज ऊपर नहीं जाना है अपने को। क्या कर रहा है यार रॉकी, यार ऊपर आ यार रॉकी, आज वो नहीं। केन, अरे यार मुझे लगा यार आयरिश स्वीप नाम की चीज होती है वो करो भाई करो, तुम लोग अंदर। अरे यार गलत जगह पे चला गया। ये सब बहुत तंग कर रहे हैं आजकल इस मैच में यार। यार एआई आजकल बहुत तंग करने लगा यार। हाँ, अंदर अंदर अंदर, भाई अंदर, अंदर लेके जाओ ना अंदर मेरे भाई। भाई एक्सट्रीम नॉर्मल पे गधा रेफरी पिन भी नहीं करवा रहा है। अरे नॉर्मल मैच है भाई। केन को अंदर लिया भाई, अब वो मारने पे उतर आया रॉक। रॉक मेरे भाई अंदर, नहीं भाई यार अंदर लेके जाओ ना प्लीज। निशाना गलत, निशाना गलत, बस अंदर ले जाना है मैच खत्म। हाँ यही से अंदर लिया केन, अब अंदर ले जाने के चक्कर हाँ, में। चलो भाई तुम दोनों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ तुम दोनों ने। अच्छा एक एक बार अंदर क्यों जा रहा भाई, अंदर जाएंगे, अंदर जाके इंतजार तो करो भाई, वेट कर लो ना भाई। आ रहा है रॉक, अंदर ही आएगा भाई, टेंशन मत लो, रॉक अंदर ही आएगा भाई। अब केन दूसरे, मुझे बचा लिया। अच्छा यहीं पर सारे रिवर्सल शॉट्स हो रहे पिलर पोस्ट के पास, वहां पर करना भाई। उठा केन को अंदर ले जा भाई, रॉक तू रिटेन कर ले भाई टाइटल। भाई मैं चाह रहा हूँ केन जीत जाए, यहाँ पर सबमिशन लेके बैठ गया रॉक। रॉक वाह भाई वाह भाई, सारे सबमिशन शॉट थी। इनकी फाइट जानता है स्टील केज में करवानी चाहिए, इनकी फाइट स्टील केज में भाई, कि अब बाहर भी निकलोगे तो बेटा हार ही जाओगे। अंदर रॉक जाएगा, अंदर फिर आएगा बाहर, और फिर केन अभी पागल हो गए हो क्या रॉक। अरे घूम के बाहर क्यों चला गया केन यार, अब ये बाहर अंदर भेजने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं किया, अंदर शुगर कहा गया भाई। भाई रॉक मेरे भाई, रॉक अंदर 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 ले जाओ भाई, मत करो। अरे भाई अब तुम लोगों को वहां जाना जरूरी था क्या भाई, टेबल वेबल सब टूटवा लोगे क्या भाई। क्लासिक मैच है भाई ये, मैं बता रहा हूँ क्लासिक मैच। अभी तक तो ऐसा कुछ क्लासिक हुआ नहीं है, पूरा राउंड घूम घूम के एक दूसरे को भाई। वहां से आए ये लोग, पता है लेफ्ट से आए और राइट का पूरा सर्कल काट के यहाँ तक आए। अरे बाहर फिनिशर तो दो है, अरे बावले हो क्या दोनों के दोनों। अरे पूरा बाहर पूरा आपका छाप छोड़ रहा है दोनों का दोनों, फिर स्टन होने वाला है केन। भाई रॉक अंदर लेके जाओ ना भाई, रॉक अंदर लेके क्यों केन, केन कम ऑन अंदर अंदर जाओ। हाँ फाइनली भाई जा रहा है, मजा। अरे रॉक ग्लिच बचा लिया रॉक, चलो रॉक ने हाँ अब गया केन, बाहर दिखा दिए करता तो तुम सारे जोश बाहर ही दिखा दो, जीत गया ना रॉक। रिंग के अंदर के लिए कुछ मत रखो, हो सकता है रिवर्स कर दे केन, नहीं किया। अब तो 100% केन हार गया, अब केन हार गया भाई। चलो भाई पिन करवा, 1-2 किक आउट। ये क्या हुआ, केन पागल हो गया भाई, केन को मेरा मोटिवेशन कुछ ज्यादा लग गया। दूसरा फिनिशर भी, दूसरा फिनिशर रॉक बॉटम। अब तो अगर लगा दिया तो वो हारेगा केन, ये क्या हो रहा है। केन अगर चॉक स्लैम लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी रॉक के लिए, और दिक्कत हो गई है भाई। लेकिन निशाना एंगल बहुत गलत है, नहीं लगता है मैच खत्म। 1-2 ये क्लासिक मैच है भाई,
दिस इज अ दूसरा चौक क्लैंप दूसरा, ये क्या हो रहा है यार, अभी तक तो हमने नहीं देखा था कहीं दूसरा चौक क्लैंप, और मुझे लगता है रॉक ने बचा लिया। रॉक ने कुछ करो यार, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, चल पीपल सेल, पीपल सेल पे लगा देगा वो। एक बार भी बचाया नहीं रॉक बॉटम ने, केन यार नेल पाइटिंग मैच है यार भाई। ओ, चलो फाइनली रॉक जीत गया 100% पिन करो भाई, 1, 2 and 3 रॉक ने रिटेन कर लिया अपना टाइटल। ग्रेट मैच ही है क्योंकि रॉक इन्वॉल्व्ड इसमें, और भाई दो बार फिनिशर से किक आउट हुआ यार, ओ माय गॉड रॉक जीत गया भाई, रॉक रिटेन हिज टाइटल, रिटेन हिज टाइटल यार। चलो यार सेलिब्रेशन देख लेते हैं रॉक का, देख लेते हैं भाई, तुम भाई अच्छा खेले, अच्छा खेले, चलो कोई नहीं, लो भाई टाइटल, गुड, व्हाट इज दिस, गुड, अच्छा मैच था बट लेकिन इसको अच्छा मैच था नहीं क्योंकि कुछ रखा नहीं था टीएलसी उल्टी का, इसलिए शायद गुड मिला भाई स्टिपुलेशन। चलो भाई मुझे लगता है कि रॉ जीत गया है, नहीं यार रॉक इंजर्ड हो गया है, गुड मैच देख इंजर्ड होता है बताओ, हाँ नहीं शायद दो 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 0.5 से यहाँ आ गए तू, यहाँ 0.5 से यानी 1 point तेरा और यहाँ 1.5, हाँ रॉ शायद जीत गया है, देखते देखते हाँ मुझे लगता है। राइवलरी कंप्लीट हुई है मेरी इन दोनों की, ये दुश्मनी कंप्लीट हुई समो जो डैमियन प्रीस्ट और द प्रिंस एंड द किंग की, और ये तो शुरुआत ही ये दुश्मनी की रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर की, और ये दुश्मनी कंप्लीट हुई है। तो बाकी ये सब रोस्टर अब टाटा बोलने वाले हैं, टाटा क्यों बोलेंगे, मेरे में तो कितली और ब्रॉन्स्टोन, चलो ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं। फैंस कितने कमाए, 1,38,000 फैंस, काफी ज्यादा फैंस कमा लिए यार, पैसे 1,80,000, ओ फाइनली बजट, फाइनली कुछ पैसे आ गए बजट, चलो ठीक है यार ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। तो बेकी और रिया के बीच में सेटल्ड हो चुका है मैच यार, ये लोग ओके मैच दिया है ठीक है, चाइना हैज अ रियली ग्रेट फील फॉर टेबल्स मैच, टेबल्स मैच सही है ये बात यार, रॉक के फैंस याद रखना कि चाइना टेबल्स मैच बहुत अच्छा खेलती है, और उसके बाद कांट बिलीव रॉक गॉट रेट ऑफ बिगी, भाई तो मैं क्या करता, अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर, क्योंकि यार अपना चैंपियन था वो, और वो इंजर्ड हो गया था 3 हफ्तों के लिए, आउच होप रैंडी ऑर्टन इज ओके, आई एम सेइंग गुड बाय टू बिगी, ने भी गुड बाय किया रॉको, ओके गुड बाय बिगी, गुड शो टुनाइट, गुड शो टुनाइट, शो की तारीफ हो रही है भाई, चलो ठीक है शो तो काफी अच्छा, आउच होप रैंडी ऑर्टन लुक लाइक दैट, अरे चलो ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हो गया भाई, नॉट सरप्राइज वी डिडंट सी गोल्डबर्ग दिस वीक, अच्छा गोल्डबर्ग की भी बात हो रही है कि यार वो इंजर्ड था, चलो रॉ मुझे लगता है रैंक वन पे चल, रैंक टू पे अभी भी रॉ रैंक रैंक टू पे हूँ, क्योंकि तुमसे काफी कमी चल रही है, मुझे लगता है कमी काफी दूर कर दी होगी तूने, लेकिन अब नेक्स्ट वीक तुझे ये अनोखा मौका नहीं मिलेगा भाई। चल तुमने कितने फैंस कमाए, 1,33,000, चलो ठीक है भाई, 1,35,000 यार, क्योंकि तुमने क्योंकि ना क्योंकि कोई कुछ खर्चा नहीं किया, कुछ खर्चे नहीं किए, ओ भाई फाइनली रॉक को देने के लिए 1,00,000 रुपए भी आ गए मेरे पास, रॉक को दूंगा यार, रॉक को 1.5 लाख रॉक को देने के लिए पेमेंट। चलो स्टोमन और लोकीली की भी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, और द रॉक पिन पिक्ड अ नॉक टुनाइट, रॉक भाई रॉक भी काफी मार खाया आज, गुड शो टुनाइट, हैशटैग स्मैकडाउन, स्मैकडाउन की तारीफ, व्हाट अ बोरिंग मेन इवेंट टुनाइट, मेन इवेंट में बात हो रही है ना कि जे वर्सेस स्टोमन, जे उसो वर्सेस स्टोमन कर सकते थे तुम, ठीक है नहीं अभी रॉक सही है, और स्टोमेन ज्यादा पैसे मांग रहा था तो स्टोमेन, और यहाँ पर एज और ब्रॉन स्टोमेन की दुश्मनी के बारे में भी बात हो रही कि वो एज और ब्रॉन स्टोमेन वो भी होगा 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 भाई होगा। चलो भाई लोग तब कंटिन्यू करते हैं इसको, रैंक वन पे स्पेशल प्रमोशन का कार्ड मिला है जो कि मैं स्मैकडाउन में जरूर यूज करूंगा, और अभी तक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रैंक वन पे, चलो भाई ये देख लेते हैं, वो ही है भाई 69 काफी अभी भी लीड बनाई हुई है 20,000 पैसे काफी जमा हो गया हमारे पास, पैसे जमा हो गए, गरीबी से हम लोग कुछ अमीर हुए हैं भाई। भाई रॉ स्मैकडाउन में तो मैं सोच रहा हूँ ना कि बिल्टअप ही करूं बस, और स्पेशल मैचेस करवाने की जरूरत नहीं सोच रहा हूँ। चलो भाई लोग तो ये रहा हमारा टीएससी का मेन शो, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्मैकडाउन लगातार 4 हफ्तों से नंबर वन पे की पोजिशन पे कुंडली मार के बैठा हुआ है, रॉ नंबर वन पे आएगा कि नंबर टू आएगा यार, रॉ दिमाग खराब कर रहा है मेरा, नंबर वन पे आके बैठ चुका है स्मैकडाउन, स्मैकडाउन बोल रहा है मैं हीलूंगा, रॉक क्या दिमाग खराब कर रहा है, ओके मैच तो दिया है, अब बोल ओके मैच दिया वो तो टैग टीम क्लासिक मैच दे, और मेरे तेरे लेवल 4 की जो दुश्मनी वाला मैच था वो क्लासिक चल दिया, और मेरा लेवल 4 की दुश्मनी वाला मैच ओके गया भाई। देखो बात है कि रॉक तो सिर्फ ओके मैच दिया, तो तुम रॉक अरे तो मेरा मेरा लेवल 4 की दुश्मनी वाला मैच में ओके मैच गया, यू डिजर्व इट मैन यार ये क्या बात हुई। चलो तो चलो भाई, तो इसी के साथ
हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं, टाटा एंड गुड बाय। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा शो ज्यादा अच्छा लगा, रॉ या स्मैकडाउन। स्मैकडाउन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्मैकडाउन नंबर वन पे, तो स्मैकडाउन ओपी के साथ ब्लंडर हो गया यार। चलो भाई लोग, थैंक यू एंड गुड बाय। चलो भाई लोग, थैंक यू एंड गुड बाय, टाटा।